हेलो दोस्तों, तो मैं इस वक्त हूँ जॉर्जिया तबिलिसी में और ये इंडिया से 4 घंटे की फ़्लाइट है। आपको अभी इंडिया से वीक में 3 बार फ्लाइट चालू हो चुकी है और इंडियन लोगों को यहाँ पे आने के लिए अभी वीज़ा की ज़रूरत जो है वो 4 दिन में मिल जाता है ऑनलाइन, जो ये कसिनो प्रोवाइड करता है। क्या क्या पैकेज है, क्या है वो मैं आपको आगे बताऊँगा आपके साथ। ये है होटल रॉयल ट्यूलिप, जो होटल में अकोमोडेशन इनकी तरफ से दिया जाता है। आने जाने की टिकट्स, अगर आप मिनिमम 10 लाख इंडियन से यह पैकेज स्टार्ट होता है, अगर आप मिनिमम 10 लाख का पैकेज लेते हैं तो आपको इनकी तरफ से होटल प्रोवाइड की जाती है। अगर आप 20 लाख का पैकेज लेते हैं तो होटल प्लस आपको बिजनेस क्लास की टिकट भी दी जाती है। अगर 5 लाख का पैकेज लेते हैं तो सिर्फ आपको ये होटल का रूम प्रोवाइड करेंगे, टिकट नहीं, क्योंकि टिकट महंगी पड़ती है। अगर मान लो कि आप मेरी तरह या दूसरे बड़े प्लेयर की तरह 50 लाख 1 करोड़ का पैकेज लेते हैं तो मैं आगे आपको दिखा चुका हूँ वीडियो में, जो स्वीट रूम है, प्रेसिडेंसी स्वीट है, वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। फर्स्ट क्लास की टिकट दी जाती है आने जाने की। और उसके सिवा यहाँ पे क्या बेनिफिट है कि अभी आप गोवा जाते हो तो गोवा में भी हालात ऐसे हैं कि आप जो बाइंग करते हो, यानी मान लो आपने अगर 1 लाख के चिप्स ली तो 1 लाख पे 28% उन्होंने टैक्स डाल दिया है गवर्नमेंट ने, तो आपके हाथ में 1 लाख के सामने 7,20,000, यानी आप बिना खेले ही 2,80,000 हार जाते हो। अभी आपके पास 3 ऑप्शन बचते हैं, नेपाल, श्रीलंका और जॉर्जिया। अब मैं जॉर्जिया को क्यों प्रेफर कर रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि एक तो यहाँ का वेदर, इस वक्त हम जिस मंथ में हैं जहाँ इंडिया में 40 डिग्री है, दुबई में 40 डिग्री है, 35 डिग्री है, यहाँ का तापमान है 22, यहाँ का वेदर है एकदम बढ़िया। और जो यहाँ की टूरिस्ट सीजन है अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट होगी, अप्रैल तक यहाँ पे बर्फ़ रहेगी, ठंडक रहेगी, आपको यहाँ पे कुल्लू मनाली या कश्मीर जैसा फील आएगा। तो टूरिज़्म के लिए भी अच्छा है, अगर आप अपनी फैमिली के साथ आते हैं तो भी इन्जॉय कर सकते हैं। वेदर इतना अच्छा है, इस होटल में आपको हर तरह का इंडियन फूड मिलेगा, ड्रिंक इनकी तरफ से फ्री है, शीशा यानी कि हुक्का है, और बहुत जल्द यहाँ पे हम अपना क्लब भी खोल रहे हैं, लाइक इंडियन नाइट क्लब एंड डिस्को, जो 1-1.5 महीने में ओपन हो जाएगा। और यहाँ की गेमिंग सिस्टम बहुत अच्छी है, पूरे टूर के बाद आपका जो भी लॉस होता है उसका 15% आपको रिटर्न मिलता है, यानी मान लो आपने 10 लाख का पैकेज लिया, अगर आप 10 लाख लॉस कर दिए, जीते कितना भी, जीत आपकी है, आने जाने का फेयर, होटल का रूम, खाना पीना, रहना, गाड़ी में घूमना, साइट सीइंग, ये सब इनकी तरफ से फ्री है। बाय चांस आप हार जाते हो 10 लाख तो आपको 1.5 लाख उसमें भी रिटर्न मिलता है, तो इतने सारे बेनिफिट है। आइए देखते हैं कैसीनो में क्या लिमिट्स है, किस तरह की टेबल। तो ये है इनका रिसेप्शन एरिया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले जैसे आप आते हैं आपको एक मेंबरशिप कार्ड दिया जाएगा जिसमें आपका टाइम टू टाइम लॉयल्टी बोनस जमा होता जाएगा, आपको आगे जाके जब जब आप आओगे तब बेनिफिट मिलेंगे। इनकी तरफ से आपको स्पा के फ्री वाउचर्स भी दिए जाते हैं, अगर आप फैमिली के साथ आए हो, अकेले आए हो, बोर हो गए तो आप स्पा में भी, और यहाँ पे एंटरटेनमेंट भी है, जब आप खेल रहे हो उस दरमियान डांस चलता रहता है, बेली डांस चलता रहता है, बहुत कुछ है यहाँ पे करने के लिए। और टाइम टू टाइम जैकपॉट बोनस वो भी चलता है स्लॉट वालों के लिए कि कभी भी आप कम पैसों में बड़ा जैकपॉट हिट कर सकते हैं। अभी अपन चलते हैं कैसीनो फ्लोर पे, यहाँ पे 2 फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है नॉर्मल फ्लोर जहाँ पे आप 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख भी खेल सकते हैं, और एक है सेकंड फ्लोर पे वीआईपी फ्लोर और 3 पत्ती फ्लोर जहाँ प्लेयर टू प्लेयर 3 पत्ती पोकर चलता है, और वीवीआईपी जो है उनको प्राइवेट केबिन दी जाती है, प्राइवेट टेबल दिया, जैसे हम लोग प्राइवेट टेबल पे खेलते हैं कोई डिस्टर्ब ना करे इसलिए, तो प्राइवेट टेबल्स भी है वहाँ पे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे टेबल है, क्या है, लेट्स गो इन कैसीनो फ्लोर। तो दोस्तों ये है इनका लॉन्च कम रेस्टोरेंट जहाँ पे आप बैठ के आराम से बातें कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, बूफे काउंटर है, इट्स ऑल लाइक वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन एंड 24/7 इंडियन कुक, यहाँ पे इंडियन शेफ अवेलेबल है, जो चीज़ आपको दिल्ली, पंजाब, गुजरात, बॉम्बे में मिलती है हर डिश आपको यहाँ का बना के देगा। ये फॉरेन है, आप बाहर खाना मिले ना मिले, इस कैसीनो में आपको हर तरह का खाना मिलेगा, ड्रिंक्स आपको कॉकटेल मॉकटेल हर तरह के बना के देंगे, और शीशा भी यहाँ पे अवेलेबल है, आप हुक्का चाहें तो पी सकते हैं, हर फैसिलिटी यहाँ पे 24/7 अवेलेबल है। गेमिंग फ्लोर पे भी आप अपने गेमिंग टेबल पे भी खाना पीना मंगवा सकते हैं, और यहाँ पे भी है, तो दोनों तरह की फैसिलिटी आपको मिलती है। आइए मैं आपको कैश काउंटर को एक्सप्लेन करता हूँ। ये फर्स्ट फ्लोर है गेमिंग फ्लोर, नॉर्मल वीआईपी ऊपर है, ये नॉर्मल है। अब ये कैशियर और एक्सचेंज है, यहाँ पे आप इंडिया की करेंसी यूएस डॉलर, पाउंड, कोई भी चीज़ चेंज कर सकते हैं, आप अपने कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप जैसे क्रेडिट पे हैं, मान लो कि हमारे थ्रू या किसी भी एजेंट के थ्रू पैकेज बुक करवा के आते हैं, तो आपको पेमेंट की लेन देन यहाँ नहीं करनी है, आपने वहीं पे दी, वहीं पे आपको मिलेगी। यहाँ पे आप आएंगे, आपके नाम पे क्रेडिट दिया होगा, पैसे लिए, हारे जीते जो भी हुआ यहीं जमा करवाया, और हिसाब आपका वहाँ जाके होगा, तो उस तरह की फैसिलिटी भी है। आप कैश लेके भी आ सकते हैं, डॉलर लेके भी आ सकते हैं, यहाँ हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है कैश काउंटर। अभी चलते हैं गेमिंग टेबल कौन से हैं और क्या लिमिट्स हैं। तो यहाँ पे सारी गेम्स हैं जो गोवा में, श्रीलंका में, नेपाल में या दुनिया में कहीं भी होती है,
ये टेक्सास होल्डिंग पोकर है। यहाँ पे सारी कार्ड गेम में मिनिमम बैट है वो $25 की है। यहाँ पे करेंसी चलती है $25 $25 यानी करीब 2000 इंडियन रुपीज़ की जो है वो मिनिमम बैट है। मैक्सिमम तो आप जितनी बोलोगे उतनी लोग बढ़ा के देते हैं, 4 लाख 5 लाख 10 लाख तक भी आप खेल सकते हो। और आगे बढ़ते हैं बुलेट के लिए, बुलेट टेबल पे आप मिनिमम $5 की बैट खेल सकते हो। और बुलेट टेबल यू प्ले मिनिमम $5 मीन्स 400 INR 400 INR का स्टेटअप आप खेल सकते हैं। इतनी छोटी लिमिट भी है कि आप यहाँ पे 5 लाख रुपये में भी खेलने आ सकते हैं, लेकिन 5 लाख में याद रखिए आपको सिर्फ इनकी तरफ से होटल मिलेगा, खाना पीना रहना मिलेगा, टिकट नहीं मिलेगी। और इंडिया से अगर आपको रिटर्न टिकट चाहिए तो मिनिमम 10 लाख का पैकेज लेना। और अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो आपकी फैमिली की टिकट आपके ऊपर रहेगी, लेकिन ये रूम आप शेयर कर सकते हो फैमिली के साथ, कोई दिक्कत नहीं है, खाना पीना रहना सब इंक्लूड। $25 पे ब्लैक जैक के भी बहुत सारे टेबल्स हैं। यहाँ पे एक मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट में एडजस्ट करेंगे। मैंने आपको पहले भी बोला है कि दुनिया में उसी कसिनो में खेलने जाओ जहाँ पे फैन वो ऑटोमेटिक शफलर रियल शफलर बहुत ऑटोमेटिक उसको बोलते हैं कैर, सीधा प्लास्टिक का टब है, कहीं से कोई आपके साथ चीटिंग नहीं हो सकती। आपके सामने कार्ड शफल हो रहे हैं, आपके सामने टेबल हो रहे हैं, इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ। मैं उसी कसिनो का वीडियो बनाता हूँ जो ऑनेस्ट कसिनो, जो ऑनेस्ट कसिनो होता है उसी के बारे में बोलूँगा। कसिनो आप देख सकते हैं, इसके अंदर आपको कार्ड रख के अगर खिलाया जा रहा है कोई टेंशन की बात नहीं, वो भी है आपके सामने। ये बुलेट टेबल है, जैसे ये मेरा प्राइवेट खेल है, प्राइवेट मीन्स के इसके ऊपर मेरे सिवा कोई नहीं खेल सकता। अगर आप 10 लाख 20 लाख 50 लाख का खेल करो, आप चाहते हो तो कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, शांति से आप अपनी बैट रखें, जब आप बोलेंगे तभी आपके लिए व्हील स्पिन किया जाएगा। व्हील भी एकदम जेन्यून और ईमानदार है, क्योंकि मैं खुद यहाँ 4 दिन से खेल रहा हूँ। जब मैं खेला 4 दिन मुझे लगा कि यहाँ के लिए वीडियो बनाना चाहिए, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं सिर्फ यही देखता हूँ कि जहाँ पे फेयर गेमिंग है उसको मैं प्रमोट करता हूँ, जैसे मैंने श्रीलंका में पहले इसको किया। तो यहाँ पे आप मिनिमम $5 से भी बैट खेल सकते हो, मैक्सिमम 300-500 मैंने अपने लिए लिमिट बढ़वाई हुई है, लेकिन नॉर्मल लिमिट वही है। टेबल पे आपको खाना पीना शीशा सब दिया जाता है। और ये भी है कि अगर मान लो यहाँ पे किसी किसी टेबल पे ऑटो शफलर है, आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप उनको बोल सकते हैं कि भाई मुझे मैनुअल में खेलना है, उसी टाइम आपके निकाल के आपको मैनुअल डेक में डाल के देंगे। और आप डेक कभी भी उठा के चेक भी कर सकते हैं, ये दुनिया में हर जगह पॉसिबल नहीं है। आप चाइना जाओगे, सिंगापुर जाओगे, कोई आपको पत्ते को हाथ भी नहीं लगाने देगा। बहुत सारे स्लॉट्स के भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, इसको स्लॉट मशीन खेलना पसंद है। तो ये कसिनो में इन शॉर्ट में आप इस ब्लॉग में यही कहना चाहता हूँ कि मेन चीज़ जॉर्जिया की करेंसी, जॉर्जिया की करेंसी है लारी। लारी यानी एक लारी मीन्स इंडियन 32 रुपीज़, ये है 5 लारी। ये 5 लारी का नोट है यहाँ का, 32 रुपीज़ 160 रुपये इंडियन, उसकी करेंसी 32 रुपये का एक लारी। तो यहाँ पे आप जब आते हो घूमने के लिए तो आपको फैमिली के लिए घूमने के लिए भी बहुत अच्छा है। अक्टूबर से अप्रैल में आओगे अगर आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हो टूरिज्म के लिए, अक्टूबर से अप्रैल यहाँ पे बहुत अच्छा वेदर होता है। इवन अभी भी 22 डिग्री है, बहुत अच्छा वेदर है, रेन पड़ती रहती है, ठंडक है, पूरा यूरोप वाला ही फील है। तो आपको जब भी आना हो यहाँ पे आप आ सकते हो। अभी ये जो मेरे वीडियो में नीचे एक मोबाइल नंबर दिया जाएगा, आप वहाँ से डायरेक्ट अपनी बुकिंग करवा सकते हो। पेमेंट भी आपकी, आप जहाँ पे रहते हो उस सिटी में भी आप लेन देन कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको कैश कैरी करके यहाँ पे आना है, ये लोग सारी पेमेंट फैसिलिटी आपको अलाउ करते हैं। तो अभी हम ऊपर के फ्लोर पे चलेंगे जिसको हम VIP फ्लोर बोलते हैं, वहाँ पे 3 पत्ती के टेबल। तो ये है सेकंड फ्लोर VVIP रूम, और इसमें है 3 पत्ती के रूम्स, पोकर रूम्स, प्राइवेट सूट मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत अच्छा है। और ये है स्लॉट, यहाँ पे आपको लारी में खेलना पड़ता है। $US आप लेके आएंगे तो 2 मिनट में ये लोग कन्वर्ट करके लारी देंगे, और आप प्रोग्रेसिव जैकपॉट चलता रहता है। कभी भी आप 100 लारी में से 13,000 15,000 20,000 भी जीत सकते हो, मतलब बहुत बड़ा चांस है जो स्लॉट खेलते हैं उनके लिए। मैं स्लॉट के लिए कोई टिप नहीं देता हूँ, तो मुझे इसका आइडिया नहीं है, जस्ट आपको दिखा रहा था। अभी जैसे आप 4, 6 या 10 दोस्त हैं, सब ने 10-20 लाख 50 लाख का खेलना है, बड़ा ग्रुप है, तो ये आप लोगों के लिए जैसे VVIP रूम इन्होंने खोल के दिया है, प्राइवेट डाइनिंग एरिया, प्राइवेट बटलर जो आपके लिए शीशे बनाता रहेगा, प्राइवेट मतलब आपका बैक पेन हो रहा है तो बैक मसाजर, रूलेट टेबल बड़ी लिमिट जितनी आपको चाहिए, छोटी से बड़ी लिमिट यहाँ पे बकराट टेबल है। इस बकराट टेबल आपको एक ही रूम में दोनों टेबल पे जितनी बड़ी लिमिट में प्राइवेट खेलना है, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, सिर्फ आप और आपके दोस्त यहाँ पे खेल सकते हैं। और इसी रूम में अगर आप थक गए, जो दुनिया के किसी कसिनो में लगभग मैंने नहीं देखा है, अगर आप थक गए बीच में आपको आराम करना है तो वॉशरूम भी है और रेस्ट रूम भी है। यहाँ पे बैठो, थोड़ी देर टीवी देखो, इन्जॉय करो, आराम करो। विथ जकूजी रूम है, जकूजी बाथ लो,
रिलैक्स हो जाओ और फिर खेलो, यानी खेलते रहो, आराम भी करो, एंजॉय भी करो, शीशा पियो, नीचे हमारा डिस्को ओपन हो रहा है वहाँ पे आप डांस देखो, फैमिली साथ में है तो आप यहाँ का टूर करो, रिवर में सफारी करो, सब कुछ करो, बर्फ़ में जाके खेलो और यहाँ भी खेलो, मतलब लाइफ को फुल एंजॉय करो। तीन चार दिन के लिए अगर आए हो तो रिलैक्स हो जाओ। इस मामले में मैं इसको लंका से ज़्यादा वोट दूंगा, क्योंकि श्रीलंका का वेदर इतना अच्छा नहीं है। श्रीलंका में आपको ह्यूमिडिटी लगेगी, रोड आपको यही लगेगा कि आप इंडिया के किसी गांव में या किसी छोटे सिटी में आ गए हो, ये प्रॉपर आपको लगेगा कि आप यूरोप में हो। मेन बात यह है कि इंडियन को यूरोप जाने के लिए 6 महीना लगता है वीज़ा लेने में, तो अभी नहीं मिलता है जब तक उनके पेपर स्ट्रांग ना हो। यहाँ पे आपको वीज़ा 4 दिन में ये लोग दिलवा देंगे, आने जाने की टिकट देंगे, आओ फैमिली के साथ इन्जॉय करो, दोस्तों के साथ इन्जॉय करो। बहुत अच्छे अच्छे क्लब है, इंडियन रेस्टोरेंट 500 हैं यहाँ पे, अच्छे अच्छे चर्च हैं घूमने के लिए, मंदिर है, सब कुछ है यहाँ पे। और कसिनो में आप इस बिल्डिंग में अगर आते हो तो आपको रहना खाना पीना सब इंडियन मिलेगा, उसके सिवा आपको अच्छे डिस्को मिलेंगे, अच्छा एक गैम्बलिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। हार जीत किस्मत की बात है, लेकिन देखो सीधी बात दोस्तों ये है कि अगर आप 20 लाख रुपए का पैकेज लेके आते हो, अगर आप जीत गए तो पूरा आपका है, रहना खाना पीना आना जाना फ्री मिल गया, वो तो एक बोनस है। हार गए तो आपको 15% तो वापस मिल रहा है, यानी आपका जहाँ 17 रहा है और आप लेके जा रहे हो 23 लाख, ये तो आपके लिए बड़ी एज है। अगर जुआ खेलना है तो मैं पहले भी बोलता हूँ कि उसी जगह खेलो जहाँ एज है। और अब तो आपको गोवा में पता है कि 28% आपको फालतू का भरना है, गवर्नमेंट ने ऐसा टैक्स डाल दिया है कि जिसके बाद कोई गोवा में खेल नहीं सकता। तो यही बेटर ऑप्शन है कि हमारे आजू बाजू में जो देश है वहाँ पे जाएं और खेलें। और अभी जो हॉटस्पॉट है वो जॉर्जिया है और इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है दोस्तों, तो जब भी खेलना है यहीं खेलना है ये सोच के आइए। और आपको वैसे भी श्रीलंका जाना है 4-4.5 घंटे लगते हैं और वहाँ पे भी वही फैसिलिटी है, उतनी हेयरकट मिल रही है, तो आपको नेपाल क्यों जाना है या श्रीलंका क्यों जाना है, आपको जॉर्जिया आना चाहिए, आपको एक यूरोप का एक्सपीरियंस तो मिलता है। अगर यहाँ पर तीनों जगह पे जाओ, हर जगह को देखो, हर जगह घूमो, अगर आप गैम्बलिंग लवर हो मेरी तरह कसीनो लवर हो तो ठीक है दोस्तों। ओके, बेस्ट ऑफ लक।